नमस्कार, ये जम्मू टीवी है और आज हम बात करेंगे डोडा के दिवाकर जी से। तो महाराज, चुनावी मौसम में क्या इरादा? आज जम्मू में गोली धमाके नहीं, प्यार की बोली और नए मौके हैं जो इतने साल नहीं हो पाया, मोदी जी कर रहे हैं। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास, कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। वो आगे बढ़ा और फाइनली उन्हें सजा मिली। अगर जो उस पूरे मामले में 10 से 12 लोगों का नाम था FIR में, जिनमें 4 लोगों की मौत हुई, 5 लोग एब्सकॉन्डिंग है, फोक्टू की गिरफ्तारी हुई थी 2 लोगों के साथ और फाइनली वो जेल में थे और अब जाकर अदालत ने एक बार फिर झटका दिया है उन्हें और ये साफ कर दिया है कि जो फैसला सुनाया गया है वो बरकरार है। ताहम हतमी फैसला सदर हिंद कर सकती है। अगर सदर हिंद के पास रहम की दरख्वास्त जाए और वो कोई फैसला करे तो वहां पर एक सेक्शन है जिसके तहत सदर हिंद कर सकती है। अदालत ने अपना फैसला दे दिया है कि उम्र कैद, मतलब ताहयात जब वो जिंदा है उनकी पूरी उम्र अदालत के अंदर जेल के अंदर ही गुजरेगी, क्योंकि इनका ही संगीन इल्जाम के तहत वो गिरफ्तार हुए थे जो अदालत में बाद में कई सालों तक केस चलने के बाद साबित भी हुआ है। अब याद रखिएगा, कासिम फोक्टू आसिया अंद्राबी के खावंद है, आसिया अंद्राबी जेल में, कासिम फोक्टू भी जेल में है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो जरा बैनुल अक्वामी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। अक्वामी मुत्तहिदा का इजलास चल रहा है और इजलास के अंदर जम्मू कश्मीर की बात ना हो जाए मुमकिन ही नहीं है। अगरचे अर्दोगान ने यूटर्न लेकर कश्मीर पर खामोशी की, बारी पाकिस्तान की थी, क्या कुछ कहा इस पर बात करेंगे, आज क्या कुछ होने जा रहा है उस पर भी बात करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि सियासी मैदान में आज कौन कहां पर होगा। छोटे से ब्रेक के फौरन बाद। ब्रेक के बाद दोबारा इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी, सलाम JK, और प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे। ज़रा बात मसले कश्मीर की करते हैं और मामला इसलिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अक्वामे मुत्तहिदा का जनरल काउंसिल का इजलास जारी है। मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहान अपनी बात रख रहे हैं, फ़लस्तीन, सीरिया, इसराइल की बातें सामने हो रही है। इस बीच कल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी खिताब किया है। शहबाज शरीफ ने अक्वामे मुत्तहिदा से कल खिताब किया और साफ कर दिया कि मज़ाकरात के जरिए से हल तलब मसाइल का हल निकाला जाए, मज़ाकरात के जरिए से मसले का हल निकाला जाए। 5 अगस्त 2019 के बाद की सूरत हाल पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया
और ये साफ कर दिया कि दफा 370 और 35 ए को जिस तरीके से ख़त्म कर दिया गया वो जम्मू कश्मीर के लोगों की जमहूरी हकों पर शबखून था। शहबाज शरीफ जहां कश्मीर मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे वहीं पर उन्होंने इस बात का भी इल्ज़ाम लगाया कि भारत के अंदर। हेलो गाइस, आज जम्मू कश्मीर में वोटिंग के दिन, देखते हैं आज हमारे घर में कौन किसको वोट देगा। छोटे, तू किसको वोट देगा? मोदी जी को। मोदी जी देंगे अग्निवीरों को जम्मू सरकारी नौकरी में 20% का कोटा, जम्मू को आईटी हब बनाएंगे और यहाँ मेट्रो भी लाएंगे। भाभी आप? बस मोदी जी को। मोदी जी देंगे जरूरतमंदों को अटल आवास योजना के तहत 5 मरला जमीन। जी आई। मोदी जी और कोई है ऐसा? मोदी जी देंगे सालाना 2 LPG सिलेंडर गैस, वो भी बिल्कुल मुफ्त, तो रसोई चलाना होगा और भी आसान। और मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे इस बार मेडिकल में 1000 एक्स्ट्रा सीट, किसी ने भी आज तक ऐसा नहीं किया। और भैया आप? मोदी जी, अरे मोदी जी देंगे किसान सम्मान निधि से 10,000 और हर एक किसान को कृषि उपकरण और खाद में मिलेगी सब्सिडी और खेती हो जाएगी और भी बेहतर। और दादी आप? मोदी जी को। वो देंगे 3,000 पेंशन और मास सम्मान योजना का सालाना 18,000। और भैया आप किसे देंगे वोट? मोदी जी को, जो देंगे UPSC JKPSC स्टूडेंट्स को 10,000 का कोचिंग खर्चा और आने जाने का 3,000 सीधा बैंक खाते में। और दादाजी आप किसे वोट देंगे? केवल मोदी जी को, वो बचाएंगे हमारी संस्कृति और सभ्यता और रखेंगे हम सब के परिवारों को सुरक्षित। और मैं भी मोदी जी को। वो देंगे 7 लाख का आयुष्मान कार्ड जिससे मैं अपने परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख पाऊंगा। क्यों बाबूजी? चल अब तू बता, तू आज अपना पहला वोट किसे देने जाएगी? मैं मोदी जी को। मोदी जी देंगे लाखों स्टूडेंट्स को लैपटॉप टैबलेट्स, यानी एजुकेशन बनेगी डिजिटल। अब चले, मोदी जी इंतजार कर रहे हैं। चलो दादाजी। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। मुसलमान खौफ जदा है और उनकी आवाज को बुलंद करना वक्त की जरूरत है। जहां एक तरफ से अक्वामे मुत्तहिदा के अंदर जम्मू कश्मीर का मामला था, वहीं पर उन बयानात का भी सख्ती के साथ नोट लिया था पाकिस्तान ने, जिसमें उन्हें इस बात का डर है कि POJK पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और कल शहबाज ने यह साफ कर दिया कि अगर इस तरीके की कोई भी कार्रवाई की गई तो उसका मुकम्मल जवाब दिया जाएगा और जवाब बड़ी सख्ती के साथ होगा। शहबाज शरीफ कल अपनी बात तो रख चुके हैं, लेकिन आज का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि आज अक्वामे मुत्तहिदा के इस जनरल काउंसिल से डॉक्टर जयशंकर, वजीर खारजा भारत सरकार, अपना मौकफ रखेंगे। और जब वो मौकफ रखेंगे तो सीधी सी बात है कि शहबाज की तरफ से रखी गई एक एक बात का जवाब भी होगा, आलमी पॉलिसियों पर भी गुफ्तगू होगी, इसराइल फलस्तीन के मामले पर भी भारत सरकार के मौकफ को अक्वामे आलम के सामने रखने की कोशिश की जाएगी। तो इस तरीके से लगातार जारी है और जहां शहबाज शरीफ ने मामले को उठाने की कोशिश की, वहीं पर आज का दिन इंतहाई अहम क्योंकि आज डॉक्टर जयशंकर इन तमाम मामलात का जो है वो जवाब देंगे, इन तमाम सवालों का जवाब देंगे और आज शाम देर गए काउंसिल के इजलास से वो खिताब करेंगे। have struggled for a century for their freedom and right to self-determination. Instead of moving towards peace, India has resiled from its commitments to implement the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir. These resolutions mandate a plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. Every more, even more worryingly, it is engaged in massive expansion of its military capabilities, which are essentially deployed against Pakistan. Its war doctrines envisage a surprise attack and a limited war under the nuclear overhang. Thoughtlessly, India has spurned Pakistan's proposals for a mutual strategic restraint regime. Its leadership has often threatened to cross the line of control
and take over Azad Kashmir. Ladies and gentlemen, Mr. President, let me state in no uncertain terms that Pakistan will respond most decisively to any Indian aggression. शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बोल रहे थे और पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो रखा, जवाब इस पर दिया जाएगा और इन सवालों का जवाब भी, और इस वक्त जो लेबनान के अंदर सूरत हाल बनी है, गजा के अंदर है, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो कुछ चल रहा है उस पर, और यूक्रेन और रूस के दरमियान भारत का किरदार क्या है, इस पर मुफस्सिल रोशनी डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से आज जब जवाब होगा तो उसमें ज़रूर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की छिड़ी है तो असेंबली इंतखाबात यहाँ चल रहे हैं और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बीच पहले और दूसरे मरहले में अलग अलग हिस्सों के अंदर पोलिंग हुई और अब तक कुल मिलाकर 13 अजला के अंदर जम्मू कश्मीर यूटी के दोनों प्रोविंसेस में वोट डाले जा चुके हैं, जिनमें 7 कश्मीर के, 6 जम्मू सूबे के और अगला मरहला यकुम अक्टूबर को है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो रिवाइज डेटा एनालाइज किया गया, जो आदादोशुमार सामने आए, उससे पता चलता है कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 61% से ज्यादा और दूसरे मरहले में 57.31% पोलिंग रिकॉर्ड की गई। इसकी तस्दीक खुद मुतलका हुकाम या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से की गई, नए सिरे से आदादोशुमार जारी किए गए और सेकेंड फेज में ख्वातीन का अच्छा खासा वोट बैंक जो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर था वो वोट कास्ट भी हुआ है, यानी पोल परसेंटेज काफी बेहतर रही है। असेंबली इंतखाबात के बीच 26 सीटों पर सेकेंड फेज में 25 तारीख को वोट डाले गए, 57.31% वोटर टर्नआउट रहा। इलेक्शन कमीशन की तरफ से दोबारा अदादोशुमार और जो ताजा तरीन रिपोर्ट है वो जारी कर दी गई है और कुल मिलाकर 25,78,000 जो रजिस्टर्ड वोटर्स थे, 13.12 लाख मर्द, 12.65 लाख खवातीन और 53 ट्रांसजेंडर्स जिन्होंने वोट जिनमें से डाले गए, 18 से 19 साल की उम्र के भी 1.25 लाख के आसपास नौजवान थे। और सीईओ के मुताबिक कि दूसरे मरहले में 58.35% मर्दों ने, 56.22% खवातीन ने और 30.19% ट्रांसजेंडर्स ने वोट दिया। वोटिंग के दिन पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग, पांचवें घर में राहु है और चौथे में शनि विराजमान है, जैसे ही सूर्य मंगल के पास आएगा। क्या सूर्य और मंगल महाराज? मतलब अगले महीने मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार आने वाली है जम्मू कश्मीर में। अब हर लगन होगा शुभ लगन, इस बार जम्मू कश्मीर में आएगी भाजपा की सरकार, जम्मू कश्मीर का नया सूर्य उदय भी होगा और मंगल भी होगा आपका भी। आप भी मोदी के भरोसे पे विश्वास कर भाजपा को वोट दें। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास, कमल का बटन दबाएं, भाजपा की सरकार बनाएं।